इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, जो मेन जो टेक्निक है, वो यहां पर लागू होगी, जिसे तुमने करना है। ये मेन है। अगर इसे नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट्स थे अल्फा बीटा, और हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इस वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप वहां देख सकते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जो बिल्कुल अलग ढंग से होगा। देखो, यहां पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। यहां पे क्या था, यहां पे अल्फा बीटा रूट दे रखे थे पिछले क्वेश्चन में, लेकिन अब हमें रूट्स बता रखे हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा। तो बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से होने हैं। देखो, तो हम ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमें देखा है कि इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा रूट्स हैं हमारे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो यहां पे सिंपल क्या करना है हमें जो नई इक्वेशन फाइंड करनी है, ये नई इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो ये चाहिए अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स। ये अगर हमें मिल जाए तो हम जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें इसको रख देंगे और हमें एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन वो करें कैसे, देखो अब करते हैं। जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हल करते जाओ। यहां पे अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, हम जो सम ऑफ द रूट्स हैं पहले वो फाइंड करते हैं, जो इक्वेशन दे रखी है उसका सम ऑफ द रूट्स फाइंड करो। तो ये क्या आता है, ये आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यहां पे क्या है, माइनस फाइव का माइनस करेंगे तो ये आएगा, देखो इसको मैं बेसिक से ही कराना चाह रहा हूं, तो ये माइनस बी अपॉन ए होता है। यहां पे माइनस तो ये फॉर्मूला में है और इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, ये माइनस फाइव डिवाइडिंग बाय 4, तो ये कितना आया, 5 अपॉन 4। इसके आगे देखो, ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये तो आ गया 5/4। इसको आगे और करें तो ये इसका एलसीएम ले अल्फा इंटू बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पे बीटा से इसको डिवाइड करेंगे, अल्फा बचेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में कर देंगे। इसी तरीके से ये बीटा क्यूब भी इसी तरह से आएगा, तो ये आया 5/4। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5/4 अल्फा इंटू बीटा। अभी हम यही तक छोड़ते हैं इसको, और ये तो आया था हमारा सम, और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, जो दी इक्वेशन दे रखी है उसका, तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्योंकि दो रूट्स हैं हमारे पास, ये दोनों रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, सी अपॉन ए। यहां पे सी क्या है और ए क्या है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखो सी है यहां 2 और ए है 4, तो सी अपॉन ए लिख दो, 2/4, तो यह आया 1/2। अब तुम देखोगे कि अल्फा से अल्फा कैंसिल और बीटा से बीटा कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास अल्फा इनटू बीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2। इस वैल्यू का हम यूज करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। अभी देखो प्रोडक्ट तो आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो हमें पता चल गया, हमें इक्वेशन क्या फाइंड करनी थी, देखो हमें इक्वेशन ये फाइंड करनी है, ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। अभी तुमने देखा कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ये हमें फाइंड करना है अब। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम करेंगे फाइंड यहां से। अब देखो वापिस हम इस यहां जाते हैं, देखो अल्फा बीटा तुमने क्या फाइंड करा, 1/2, इसका वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5/4 इंटू 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने 1/2 यहां पे रख दी, ये आ गया
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5/8। अब हमें अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसकी कोई ऐसी आइडेंटिटी लिखो जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा मिल जाए। देखो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में तुम देखना उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कैसे रख सकते हैं। देखो तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये कैसे आया है लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये वैल्यू कैसे आई थी, ये आइडेंटिटी कैसे बनी थी, वो सब उसमें डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास ये मिला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और ये वैल्यू माइनस 5/8 इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखो यहां पे हम क्या करें, अल्फा बीटा इसकी वैल्यू हमें पता है 1/2 हमने पहले फाइंड करी थी। देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/8 इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये करें कि अल्फा प्लस बीटा लेट हम ये मान लेते हैं लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू इसको कह दो ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए। तो हम ए की वैल्यू रखते हैं यहां पे, अल्फा प्लस बीटा को हम ए बता देते हैं। तो ये ए क्यूब माइनस 3/2 इंटू ए माइनस 5/8 इज इक्वल टू 0। यहां पे मैं इसका 2 और 8 का एलसीएम लेता हूं, ये आएगा तुम्हारा 8 और 8 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो 8a³ माइनस 8 की मल्टीप्लाई यहां पे करो, तो ये 8 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 4 तीन 12 12a माइनस और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 5, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां इसमें लेता हूं 4a² इंटू 2a प्लस 1। अब यहां देखो कि 4a की मल्टीप्लाई मैं 2a में करूंगा तो मुझे मिलेगा 8a³ और 4a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मुझे मिलेगा 4a² लेकिन यहां पे 4a² तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 4a² यहां से माइनस कर देंगे, माइनस 4a² माइनस कर दिया, माइनस 12a माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों किया, ये अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों किया। यहां 4a² 2a प्लस 1 माइनस, अब देखो ब्रैकेट में ले लेते हैं ये पूरी वैल्यू, ये सारी वैल्यू ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो यहां पे ये प्लस हो जाएगा, यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 4a² प्लस 12a प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद 4a² 2a प्लस 1 माइनस, यहां इसको 5 5 4 जा 20 और 12 के फैक्टर करो, ये आएगा 4a² प्लस 20 प्लस 10a प्लस 2a प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। मुझे ये ब्रैकेट दूसरा बनाना पड़ेगा। इसके बाद 4a² 2a प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 2a कॉमन आ गया और यहां क्या बचेगा 2a प्लस 5 इंटू यहां पे प्लस 1 इंटू 2a प्लस 5 ब्रैकेट बंद। इसके बाद 4a² 2a प्लस 1 माइनस, ये वैल्यू बनेगी देखो 2a प्लस 5 2a प्लस 5 दोनों में है 2a प्लस 5 तो ये आ गया और 2a प्लस 1 2a प्लस 1 ये आ गया दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से और यहां से ये 2a प्लस 1 हम कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस 1 कॉमन आ गया और ये बचा 4a² यहां 4a² बच गया माइनस 2a प्लस प्लस का ये माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस है ना, तो ये 2a माइनस 5 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये पूरी वैल्यू 0 हो या ये वैल्यू 0 हो, हम इस वैल्यू को ले लेते हैं 0, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0
दैट मींस टू से ए इज इक्वल टू आ गया माइनस वन बाय टू, और ए क्या था, ए था हमारा, देखो ए हमने क्या माना था, अल्फा प्लस बीटा, तो यही वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, ए की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये तो आ गया हमारा वन बाय टू, और अल्फा बीटा क्या आया था, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमने जब फाइंड करा था शुरुआत में, क्वेश्चन के शुरुआत में हमने फाइंड करा था, देखो ये रहा अल्फा इंटू बीटा वन बाय टू था, तो हम यहां लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है वन बाय टू, तो इन दोनों वैल्यू से हम नई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या, जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर माइनस यहां वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू, तो ये हो जाएगा प्लस वन बाय टू इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बीटा, ये क्या था वन बाय टू, ये वन बाय टू हमने यहां पर रख दिया, तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो बन जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, टू से, टू इसका एलसीएम आएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, टू की मल्टीप्लाई जीरो में करें जीरो आएगा, तो नई इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल डिफरेंट था जो लास्ट क्वेश्चन हमने वीडियो में करा था, पिछली वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे, और इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है, जो मेन जो टेक्निक है वो यहां पर लागू होगी, जिसे तुमने करना है ये मेन है, अगर इसे नहीं कर पाओगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होगा। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गुड बाय।